फाइव देखते हैं, इसका कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। फिर कह रहा है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई भी 3 इकाई बढ़ा देना और चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ा देनी है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की बीमाएं ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर में x है ना, आयत की चौड़ाई बराबर में y। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x गुना y हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल था पहले एक्स वाई, अब ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया। कैसे कम हो जाता है, यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि लंबाई x माइनस 5 हो जाए और चौड़ाई कितना हो जाए y प्लस 3 हो जाए, वाई ना चौड़ाई, तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई यहाँ 3 इकाई बढ़ा दी, यानी वाई प्लस 3 हो गया, समझ गया ना। अब इन दोनों में गुना कर दिए, यानी कि लंबाई में चौड़ाई से गुना हो गया, तो क्या गया क्षेत्रफल, समझे ना। ऐसे ध्यान से फिर से देखिए, लंबाई में 5 इकाई कम कर दिए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिए, तो यहाँ इन दोनों में गुना कर दिए तो ये क्या निकल गया क्षेत्रफल। तो नया जो क्षेत्रफल आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, तो पहले वाले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जा रहा है, समझ गए। ऐसे ही आपका समीकरण तैयार हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे एक्स वाई, चलिए एक्स में वाई से गुना के एक्स वाई, यहां से इसमें गुना करेंगे 3x माइनस का 5y और माइनस का 15 बराबर में एक्स वाई माइनस में 9। एक्स वाई काट दीजिए, 3x माइनस का 5, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा ना, तो माइनस के 9 में प्लस का 15 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर में कितना जगह 6 ना, ये समीकरण 1 रहा। अब आगे देखिए कह रहा है यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई में 3 इकाई यानी कि x प्लस 3 और चौड़ाई में 2 इकाई यानी कि y प्लस 2, तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, यानी कि एक्स वाई प्लस 67 हो जा रहा है। ये समझ में आया, फिर से देखेंगे इसको कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, तो क्षेत्रफल जो हो रहा है यानी कि इसमें इससे गुना कर दिया लंबाई में चौड़ाई, तो वो कितना बढ़ जा रहा है, तो पहले वाले क्षेत्रफल का 67 इकाई बढ़ जा रहा है, तो x वाई प्लस 67 हो जाएगा, समझ गया। चलिए यहां गुना करते हैं एक्स वाई, अच्छा इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर में एक्स वाई और प्लस में 67। एक्स वाई काट दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर में ये चल जाएगा उधर ना 67 माइनस 6, तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 61, समीकरण 2 हो गया, समझ में आया इतना। चलिए तो अब देखना होगा आपको समीकरण 1 तथा 2 से, लिखते हैं यहां समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में है 3x माइनस 5y बराबर 6, यह आपका समीकरण 1 है, और दूसरा क्या है आपका समीकरण 2 है 2x प्लस 3y और बराबर में 61, यह आपका समीकरण 2 है। एक काम करिए, या तो x वाले को सेम करिए और या तो y वाले को सेम करिए, यही ना करना होगा। तो हम लोग समीकरण 1 में गुना कर देंगे 2 से और समीकरण 2 में कर देंगे 3 से, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए लिखेंगे गुणा करके तो कितना हो जाएगा 6x माइनस में 10y बराबर में 6 × 12, अच्छा इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 6x प्लस में 9y और बराबर में कितना आ जाएगा 183, यही आएगा ना। चलिए यहाँ साइन बदलना होगा, माइनस ये कट गया, माइनस का 19y और इधर आ जाएगा माइनस का 171। चलिए यहाँ से ये माइनस माइनस कर गया, वाई बराबर हो जाएगा 171 और बट्टा में 19, कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी कि वाई का मान कितना आ गया 9 आ गया ना। चलिए अब लिखते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर
पर। तो समीकरण एक में कितना है, 3x माइनस का 5y और बराबर में आपका है 6, यही है क्या आपका। तो यहाँ पे y का मान रख देते हैं यहाँ पे, चलिए तो 3x माइनस 5 ब्रैकेट में 9 बराबर में 6, तो 3x 45 बराबर में 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 6 प्लस में 45, दोनों को जोड़ दिए तो 3x बराबर हो जाएगा 51 ना, यानी कि x बराबर हो जाएगा 51 बटा में 3। तो कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा ना, 17 51, यानी कि x का मान आ गया 17, यानी कि आयत की लंबाई यानी कि x ना था, ये आ गया 17 इकाई हो जाएगा, और आयत की चौड़ाई 9 इकाई हो जाएगा, क्योंकि y के मान 9 आया है ना, तो ये 17 और 9 आ जाएगा आंसर। अब हम लोग